Hello, hello, hello. Welcome to all of you in this video. So what a match. What an exciting match. 211 runs ko defend karte karte paseena to Peshawar walon ko bhi theek thaak aa gaya hai. Aur Dusan ne jo haal kiya inka bahut bura haal kiya hai. But I am feeling bad for this guy because he has done whatever he could do. 50 गेंदों पे 100 और बाकी क्या करे बेचारा, क्या करे बाकी फिर. तो उसके बावजूद भी जो टीम है वो हार गई है. अब सवाल यहां पैदा होता है कि कोई और इसकी जगह पे होता और मैच अगर हार जाते तो कितना शोर शराबा होता कि देखिए 100 आया बंदे का, टीम हार गई है. इसलिए आपको अक्सर मैं बोलता हूं या मौसम साहब भी बोलते हैं कि टीम की जो सपोर्ट है वो बड़ी जरूरी है, वरना आप मैच की सबसे बेहतरीन बारी भी खेल के आप एंड पे लूजिंग कॉज पे फिनिश कर सकते हैं. अगर के दूसरे सपोर्ट ना करें, अगर के दूसरे T20 में वनडे की तरह खेलने लग जाएं या बिल्कुल अच्छा ना कर पाए, तो एट द एंड ऑफ द डे 8 रन से जीतने में कामयाब हुए हैं. ये जो हार आ रही है ना मुसलसल बार 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 बार, ये पाकिस्तान के लिए भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप ये जो कप्तान साहब हैं ये पाकिस्तान के कप्तान हैं और अब तो काफी ज्यादा एक्सपोज, सही लफ्ज रहेगा, वाला काम नजर आ रहा है, एक्सपोज होना. इतने ब्लंडर्स हो रहे हैं कप्तानी में, अब आपके सामने है सब. मतलब जो दुनिया के रिनाउंड हिटर हैं वो डग आउट में ही बैठे रह गए, दे आर जस्ट सिटिंग देयर, जिन्होंने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में फाइनल में चार चार छक्के मारे हैं, ब्रैथवेट वगैरह, वो बाहर बैठा हुआ है. अभी सिकंदर रजा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ है, ये जो UAE में लीग खत्म हुई है इंटरनेशनल, कल वाले मैच में भी उसको बिल्कुल यूटिलाइज नहीं किया गया, बेंच पे बढ़ाए रखा. आज भी उस मौके पे 3 गेंदों पे जब 3 छक्के चाहिए तो तब उसको भेजा. तो एक कप्तान अपने रिसोर्सेज को अच्छा यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा, इस पर भी जरा बहस होगी. तो गुड डे फॉर पेशावर जलमी, दे हैव वन 2 कंसेक्यूटिव मैचेस और पता नहीं कितने अरसे बाद वो भी जीते होंगे. तो 5वीं मुसलसल हार जो है ये लाहौर के मुकद्दर में आई है. बाकी वहां पे जनाब इंडिया बहुत ही बेहतरीन और शानदार पोजीशन में, 152 रन और चाहिए और सारी विकटें हाथ में. लड़कियों का मैच आज जरा वन साइडेड ही हुआ है और मुंबई इंडियन जरा आराम सुकून से जीत गई. जी मोहसिन अली साहब, आप क्या सुल्तान नहीं बने हुए, सब ठीक ठाक है यार? मामे जमाना का विलादत है, मैं क्या पेंट शर्ट पहन के जाऊं? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार. जरा नाली में देखे, नाली की पैदाइश, नाली में गटर में पड़े हुए हैं जो कह रहे थे लाहौर आज जीत के, ऐसा बाबर बाबर हुआ है. कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, कराची के भी जर्नलिस्ट मान गए कि बाबर ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार है. आकिब जावेद देखे बगैर पानी के कहीं पड़ा हो, वो सिक्कू सिक्कू भाई कल जो है कलंदर बाबर आजम से जीतेगा, बड़ी खुशी होगी तेरे को, इंशाल्लाह चेहरे पे लानत बरसेगी, फटकार होगी तुझे और रजाक और आकिब को. ये देख ले 104 रन, 52 वाले 6 छक्के 7 चौके, लूजिंग एंड पे फिनिश किया वेंडल डूसन ने. रिजवान अदर बाबर आजम होता तो कईयों के कपड़े और पता नहीं क्या क्या उतार देते वो अपनी अब्बा जान के लिए. तो भाई जान कर भला तो हो भला, और जब आप बुरा सोचते हैं तो अल्लाह की मार फटकार आपके चेहरे पे लानत की तरह बरस रही होती है, बरस रही. 211, हालांकि माजरत के साथ वाल्टर पहले भी कुट खा के गया था, आखिरी ओवर था, वाल्टर कुट खा के गया आखिरी ओवर था, लेकिन शानदार ओवर किया. लानत ऐसी अंपायर कप्तानी पे, और बेहया बेशरम, 10 में से 9 मैच हार गया. अब तो गैरत कर, कोई गैरत का चूरन टॉस जीत के
बल्लेबाजी करा दी, चलो जी ठीक है। 100 प्लस की रिजवान साहब पार्टनरशिप आ गई, 88 सह मयूब कर गया, 48 बाबर कर गया, 46 बावल कर गया, ये जो आखिर में 12 रन बना गया ना 3-4 बॉलों में हरिस, उसने गेम बदल दी। अब देखें इनके टेस्ट प्लेयर साहिबजादा फरहान, वो इतनी बॉलें खाता है तब का अच्छा, वो फखर जमान द कुहाड़ा द बेस्ट बॉलर। अच्छा शायब तेरे पास ब्रैथवेट है, सिकंदर रजा है, तू ना शायब ऊपर भेज दिया, वो कोई एहसन मैसन भेज दिया, अब तू क्रिकेट खेल रहा है, गुल्ली डंडा खेल रहा है, ये बेटा तेरे साथ और होगा। हमें नहीं चाहिए सोचना भी ना, हमारा कप्तान बाबर है, तुम्हारा बाप भी बाबर है, कप्तान नहीं। मजा आ गया रिजवान हैदर, आई रियली वांटेड। ये कॉमन सी बात है कि अब मतलब आपको 11-12 रन पर ओवर चाहिए, तो व्हाट द हेल ब्रैथवेट इज डूइंग आउटसाइड। इवन वो जो आपका ये सिकंदर रजा है, ये भी 200 के स्ट्राइक रेट से खेल सकता है, उसके अच्छी पावर हिटिंग है उसके पास भी। आप चलो ठीक है, डोमेस्टिक के अपने जो बच्चे हैं उनको चांस दे रहे हो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द मैच। तो इन्होंने अगर ट्राई करना था तो जो ट्राइड एंड टेस्टेड पावर हीटर बाहर बिठाए हुए हैं तो उनको क्यों नहीं भेजा? अगर कप्तान ने नहीं भेजा तो वो कोच जो पूरी दुनिया में जिसको कीड़े नजर आते हैं, पूरी दुनिया की टीमों के जो मसाइल जिसमें नजर आते हैं कि जी उस टीम में ऐसा है, वो उसके तो बाजू छोटे छोटे हैं, टांगे इतनी इतनी है, वो बाबर का तो कोई आउट ही नहीं करता, वो फलाने का नाक बहरा है, उसका मतलब पैंपर चेंज नहीं हुआ, तो वो जो पूरी दुनिया के मसाइल जो उसको नजर आते हैं, तो इतनी उसको कॉमन सेंस नहीं है कि भाई तुम जो ट्राइड एंड टेस्टेड जो तुम्हारी टीम में मौजूद है छक्के मारने के लिए तुम उनको भेजो। तो क्यों नहीं भेजा गया, आपको क्या लगता है कि कोई दिमाग एक्स्ट्रा लड़ाया हमें समझ नहीं आ रही? और यार यूएई ने इसको लाते मार के निकाला था आकिब जावेद को, ये रानोस के साथ दोस्ती की वजह से, ये कलंदर एक दोस्ती यारी 11 है, इनको अल्लाह की मार पड़ रही है, ये जो गरूर में तकबर में पाकिस्तान टीम जा रही है, हमारा अब्दुल्ला शफीक, हमारा फलाना, हमारा जमान, हमारा समान, हमारा नथू, हमारा खैरा, हमारा छुन्नू, हमारा टुन्नू, तो ये औकात है इनकी, ये इनकी औकात है। और जो कहते हैं बाबल मेचल लूजिंग एंड पे करता है, बाबल आज मैच हो रहा है इंडिया का, बाबर आजम, मैच हो रहा है चीन का, बाबर आजम, मैच हो रहा है इथियोपिया का, बाबर आजम, मैच हो रहा है युगांडा का, बाबर आजम, मैच हो रहा है बाजी का, बाबर आजम। अबे भाई बाबर आजम ना हो गया ये तुम्हारे सबके लिए। और मैं इस पे देखे इस पे ज्यादा कसूर है हमारे इंडियन दोस्तों का, क्योंकि ये बाबर आजम को अनवांटेडली ये तुलना करते हैं, कंपैरिजन होता है कोहली, यार विराट कोहली कहा, बाबर आजम कहा, क्यों करते हैं रोहित शर्मा विराट? हमारे यहाँ के बच्चे आप जिसके मुंह से सुनेंगे वो आपको कहेगा विराट रोहित, वो आपको जैक कालिस या लारा नहीं कहेगा, वो विराट रोहित कहेगा। तो खुदा के लिए ये दुश्मनियां, ये नफरतें, ये बेशर्माना, ये लट्टू खैरो नथू पैरो और तुदनुओं को इनको औकात में रखना चाहिए। आज दूसर ने बाबर आजम और सबकी इज्जत रख ली के भाईजान हम भी लूजिंग एंड पे। और शाहीन, शाहीन अगर इसका दमाद ना होता शायद अफरीदी का, तो आप यकीन करें जो इस वक्त शाहीन की हालत है, इंटरनेशनल लीग में से बाहर बिठा दिया था, ये यहां भी बाहर बैठ जाता। हाँ जी, तो निलेश राणा साहब कह रहे हैं पथेटिक बाय लाहौर एंड शाहीन, ब्रैथवेट एंड रजा लेइंग एग्स एंड एसन वाज ऑन द फील्ड, नन ऑफ द लेस लाहौर लॉस्ट, तो नींद अच्छी आएगी, एक्साइटेड फॉर टुमारो। जी हाँ, एक्साइटेड, यू शुड बी एक्साइटेड फॉर टुमारो। और मैचेस जाहिर है कि अच्छे चल रहे हैं, कल इंडिया का जो मैच है वो भी बड़ी एक्साइटिंग, अब तो काफी हद तक आप मतलब सुकून से ही सोएं, टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए,
सारी विकेटें हाथ में है और 152 रन और चाहिए। ओपनर दोनों खड़े हुए हैं, ठीक है, अच्छा खेल रहे, तो उसमें भी अच्छी पोजीशन है मैच में। लाहौर बार नहीं हुआ 2021 में, मुल्तान पहले पांचों मैच आ रहा है फिर चैंपियन बन गया। नहीं नहीं हमने तो नहीं कहा बाहर हुआ है, हमने कब कहा। इंदर सैनी जी कह रही ना, मौसम भाई कितने स्पीच देख के आए हो, बड़े चार्जर लग रहे हो, जांच रहे हो, जांच रहे हो अपना नेशनल ड्रेस पहना जी। मौसम साहब ने रूसन लॉन वॉरियर व्हाट अ नॉक, और खुश थे कि कुछ नहीं किता बाकिया ने। इंदर सैनी साहब कह रहे हैं और ये आपके सामने ही है जी परफॉर्मेंस। तो समटाइम्स इट हैपन्स के आप बेहतरीन इनिंग खेल के भी आप लूजिंग कॉल साइड पे जा सकते हैं। अभी पाकिस्तान उधर मैच आ रहा है न्यूजीलैंड में, दो तीन पहले के मैचेस में बाबर ने कोई 60-70 किया है और अच्छे स्ट्राइक रेट से किया है, लेकिन मैच हार गए हैं। तो कहते जी जिस मैच में बाबर रन कर देता है मैच हार जाते हैं। कल वो भी बेवकूफ इंसान, वो जो हसन रजा, उसका भी फिर दोबारा वो जो गेंद में चिप डलवाई हुई थी वर्ल्ड कप में, कल भी कहता है कि जी वो देखे ना जी 90s में भी सचिन तेंदुलकर का भी 100 आता था तो टीम हार जाती थी, जब नहीं आता था तो जीत जाती थी। और बाबर का भी ऐसा ही है कि रन्स आज नहीं आए तो टीम जीत गई है, तो जिस दिन रन्स आते हैं टीम हार जाती है। हालांकि बाबर के सेकंड हाईएस्ट थे कल भी सेकंड हाईएस्ट उसने रन किए हैं। आप 32-33 को फेलियर तो नहीं कह सकते। तो ओडीआई में 49 में से 33 सेंचुरी सचिन तेंदुलकर की विनिंग कॉज में। अब चूंकि ना कोई पढ़ा ना कोई लिखा, जो सुनी सुनाई बातें जो बिल्कुल जाहिल लोग करते हैं वो ही सुन सुना के जो दो चार मैच खेले हैं और आके बैठ जाना टीवी पे और शुरू हो जाना के जो सचिन भी जी वो भी देखे ना, जब रन आते थे तो मैच हार जाते थे, तो ये भी जब रन आते हैं तो मैच हार जाते हैं। मतलब कोई इस बात में कोई तुक या कोई लॉजिक है? 49 में से 33 सेंचुरीज जो है वो विनिंग कॉज में आई है सचिन तेंदुलकर की, और फजूल बैठ के बातें करते रहते हैं। अब डूसन का जी 100 जाहिर 50 गेंदों पे आया, 52 पे 104 की इनिंग्स, 200 के स्ट्राइक रेट से 6 छक्के 7 चौके, तो साबित किया हुआ कि एट टाइम्स T20 में आप लोन वॉरियर भी मैच जितवा सकते हैं, लेकिन अगर चेज रियलिस्टिक हो, लेकिन अगर चेज 200 के ऊपर गए तो 50 गेंदों पे 100 करने के बावजूद भी आप हार जाएंगे अगर आपकी टीम की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगी, और वो सपोर्ट नहीं मिली। शाय होप 23 गेंदों पे 29, वन डे वाली इनिंग खेली है ये, वन डे वाली, और 13 गेंदों पे 20 ऐसे ने फीस अप करके गए हुए, लेकिन यहाँ पे 200 के स्ट्राइक रेट वाले आपने भेजने थे जो आपने बाहर सजा के रखे हुए थे डराने के लिए पता नहीं किसको। तो 9 गेंदों पे 13 जानदार से भी नहीं लगा कोई खास अलंग के, 3 इसने चौके भी बीच में मारे हैं, फिर भी 9 गेंदे, बाकी की जो 6 गेंदे हैं उसमें कुछ खास नहीं कर पाया, तो एंड में तो 8 रन से जाके फिर काम रह गया। सर जी लुक सो गुड सर, हु विल विन टुमारो? अंकित पटेल साहब आपको जितना मर्जी मैं कहता रहूं, आप कहेंगे पाकिस्तान विल विन, इंडिया विल लॉस, फॉर श्योर, लव यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपके ये पक्के जुमले हैं पटेल साहब। थैंक यू। हार्दिक कह रहे हैं लाहौर लॉस्ट बिकॉज ऑफ स्टूपिड कैप्टेंसी। नहीं, कर्मा स्ट्राइक बैक, असल में कप्तानी तो इसने क्या करनी थी, लेकिन ये जो बकवास करते थे ना इधर उधर बैठ के हराम खोर, ये उन हराम खोरों को, ये बहुत आकिब जावेद आसमान पे चढ़ा हुआ था, जमीन पे इसको अल्लाह ताला ने ऐसा पटका कि सारी जिंदगी। और बाकी देखे, ये आपने हसन रजा की बात की, समी भी है, वो सिक्कू मिक्कू तो है ही है, तो ये सारे, और ये रजाक भी क्योंकि एक एवरेज था, अब इंतहाई जाहिल आदमी था, डांसरों के पीछे भागता होता था, तो इसकी क्या बात कर रही रिजवान हैदर साहब। बात यह है कि जितना आप भौंकेंगे ना उतना जल्दी आप एक्सपोज होंगे, ये मेरी बात याद रखे। ये मेरे को तो कोशिश करते हैं फिर बेचारे गटर में घुस जाते हैं, हमें नहीं कर सकते,
क्योंकि हमारे पीछे एक 35 साल 20 साल का पूरा एक निजाम है, यूट्यूबरिया निजाम नहीं है, तो यह कुदरत का निजाम है भाई। जब आप बहुत लाउड माउथ ऑलवेज गेट शट अप कॉल्स, ये होता है। और शाहीन की कप्तानी ने यह मैच बनवाया। दिलशान ने श्रीलंका का जो लेजेंड है उसने ऑस्ट्रेलिया की रेजिडेंस ले ली है। तो देखो ना यार, जो लोग फिर जो अफोर्ड कर सकते हैं या जिनका कोई हिसाब किताब लगता है वो फिर चले जाते हैं पाकिस्तान में भी। डुअल नेशनलिटी जिनके पास, कईयों के पास है, तो लोग रखते हैं। अरशद खान श्रीलंका और पाकिस्तान, पाकिस्तान देखे ना अभी ये कोई इंसानियत है? आज 7-8 दिन हो गए इन्होंने ट्विटर बंद किया हुआ है, 12 दिन हो गए फारग है ट्विटर। लॉलेसनेस आपके सामने है। कल वो वीडियो वायरल हो रही है कि एक पुलिस वाला एक औरत को थप्पड़ मार रहा है, बाकी सारा मजमा जो है बेशर्मों की तरह देख रहा है। तो रोज कोई नई और बकवास खबर वहां से आ रही होती है। तो लोग जो फिर अफोर्ड कर सकते हैं फिर वो इधर उधर निकल जाते हैं। श्रीलंका का भी ऐसे ही हाल है, उधर भी बस अभी शायद थोड़ी स्टेबिलिटी आई है कि नहीं आई डोंट नो। इकोनॉमिक उधर भी हालात कुछ अच्छे नहीं थे। श्रीलंका वैसे अच्छा खूबसूरत मुल्क है, तो ठीक है भाई, जिसकी जहाँ चॉइस है जाए रहे, तो ऊपर वाले की जमीन है। गौरव तिवारी कह जनाब, रिजवान भाई, मुस्लिम भाई, इट्स प्रूवन नाउ दैट यंग गन्स विल विन यू मैचेस, नाउ इट्स हाई टाइम फॉर रोहित द बुचर मैन शो शो दीज गोराज इंडिया और गेम टू एंड बास्केटबॉल। यार देखिए, आपके यंग गन्स रोहित शर्मा को फिर आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसने अपने यंगस्टर्स को बड़ा अच्छा यूटिलाइज किया है। बॉलिंग में आपकी ओल्ड गन्स ही वैसे चल रही हैं, बैटिंग में यू कैन से, बट देखें उसमें भी ये है कि जायसवाल, अब आप नहीं कह सकते, जायसवाल तो अब काफी दिन अरसे से, साल दो साल से रेगुलर खेल रहा है, गिल रेगुलर खेल रहा है, हाँ रजत सरफराज जुरैल यू कैन से दैट, बट यस यंगस्टर्स आर डूइंग वेल, बट अंडर द वॉचफुल गाइडेंस एंड आईज ऑफ मिस्टर रोहित आइडमैन शर्मा। देखिए रोहित को वो क्रेडिट नहीं दिया जा रहा रिजवान हैदर जो उसे देना चाहिए। मैं समझता हूं ये सीरीज में जितना शोर शराबा था, जितना मेंटली फिजिकली ड्रामेबाजी गोरों का मीडिया अपने देसी गोरे ये सारे जितना उछल रहे थे, जैसे आलू रखा रोहित शर्मा ने, वो आलू रोहित शर्मा ही रख सकता था, ना विराट ना अय्यर ना राहुल ना शामी ना बुमराह, फिर भी यार इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, तो ही नीड्स अप्रिसिएशन आई गेस। पुजारा रहने भी नहीं है, अब उनको भी रिटायर कर दिया यार, वो तो है ही नहीं ना, उनको तो नहीं, मैं इसलिए नहीं नाम लेता, उन्हें तो निकाल दिया। तो बच्चों ने जी बिल्कुल बहुत लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई है, खास करके जुरैल ने आज जो बल्ले से कमाल किया है बहुत बेहतरीन, अपनी मेडन जो 50 की है और 90 रन पे आउट हुआ है, 10 रन जोर आते 100 होता, लेकिन खैर ये 90 भी जो आए हैं, दौड़ से बाहर निकला और वो बैट सीधा लेकर गया, 90 जो आए हैं ये 100 पे कुर्बान, क्योंकि मैच को और जो मोमेंटम को बिल्कुल पकड़ के 190 डिग्री शिफ्ट कर दिया, और अपने जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज भी उठा दिया इस बच्चे ने, तो अमेजिंग। आपने जो बोला यंग गन्स, यस दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, जुरैल, बाकी वो आकाश को जो बॉलिंग अब जो जो की है उसने बड़ी अच्छी की है, अब जाहिर है कि फिर मौका तो नहीं मिला आज, तो मतलब पहली इनिंग की बात हो रही है, सरफराज काफी अच्छी उसकी हाइप है, रेपुटेशन है, उसको मौका मिला है, तो यंगस्टर्स बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, इट्स गुड, जायसवाल इज राइट अप देयर, और सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं, सबसे ज्यादा रन किए हुए हैं, 2-2 डबल सेंचुरीज हो रही हैं, तो कमाल है भाई। रोहित शर्मा को आप अप्रिशिएट करेंगे, आधी तो आपकी टीम है, अगर 1-2 को और बाहर बिठा के बताया जाए तो ऐसा लगेगा कि शायद ये इंडिया ही खेलने आ गया, तो अब उस टीम के साथ तो ठीक है, उस दूसरी टीम में भी नए हैं खिलाड़ी कुछ,
लेकिन इस साइड में ज्यादा कोई नयापन नजर आता है जब हम देखते हैं प्लेइंग 11 भाईजान। वो नए खिलाड़ी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लाए हैं, बाय चॉइस लाए हैं, बाय फोर्स नहीं लाए इंग्लैंड वाले। तो बहुत बेहतरीन कप्तानी की है। और आपने जो बात की है ना ए टीम की, यही चुनैल ने कहा, कहते मैंने पिताजी को फोन किया कि मैं इंडिया टीम, उसने कहा कौन सी वाली इंडिया टीम, कहते क्योंकि ए भी खेल रही थी लाइन के, कहते पापा वो रोहित और विराट वाली। रोहित और विराट वाली, हाँ तो फिर यही है भाई, रोहित और विराट वाली टीम, कमाल है जी। इफ हारिस ओपन पेशावर जमी विल हैव मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग। हारिस से चल नहीं रहा था ना, हारिस से चल नहीं रहा, इसीलिए उसको थोड़ा नीचे किया गया। देखिए साइम यू भाभी आज जो प्लेयर ऑफ द मैच हुआ है, लेकिन मुसलसल तीसरा मैच है तो स्ट्रगल कर रहा था आज भी। हालांकि बाबर आजम के कोई 16 गेंदों पे 32 थे और वो कोई स्ट्रगल कर रहा था, उसके कोई 18-20 गेंदों पे इतने ही थे, 18 गेंदों पे कुछ 17-18 ऐसे ही चल रहा था उस टाइम का, लेकिन उसने अच्छे गेयर शिफ्ट किए हैं। इट्स गुड फॉर हिम, इट्स गुड फॉर द टीम पेशावर जमी, और इसी तरह की एक्सपेक्टेशन है कि वो इसी तरह अच्छा खेले। CPL में भी उसने सबसे ज्यादा छक्के मारे थे और स्ट्राइक रेट भी सबसे ऊपर था उसका 145 के आसपास, तो ही वाज अमेजिंग, बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई थी उसने, तो अच्छा है अगर वो इसी तरह परफॉर्मेंस दिखाता रहे। अब आप हारिस के साथ वन डाउन ही आ रहा है वो, ठीक है एक आधा अगर आउट हो जाता है तो साथ ही वन डाउन आ जाए, तो ऐसा नहीं है कि बहुत नीचे उसको भेज रहे हैं। ठीक है आज तो सिचुएशन ऐसी थी कि वो वहां पे पॉवल ही बनता था, जब आपके पास 5-6 ओवर रह जाते हैं तो रोमन पॉवल ही आएगा चाहे वो किसी भी टीम में खेले। पॉवल अपने दिखाई भी, आसिफ अली तो टाइम जाया कर रहा है और जगह जाया कर रहा है। 230 के स्ट्राइक रेट से वो जो रन करके गया है पॉवल, उसने जो बहुत ही फैंटा प्रोग्राम लगाया है तो उसकी जाहिर है वो बड़ा डिफरेंस उसने क्रिएट किया है। 46 रन 20 गेंदों पे 230 के स्ट्राइक रेट से, 2 छक्के 5 चौके, तो जो उसने डिफरेंस क्रिएट किया वो भी आप देख लें एंड पे, तो वो अच्छा फैसला था उसको भेजने का। तो अदरवाइज आमतौर पे तो हारिस ऊपर ही बैटिंग करने आता है। संदीप पंत कह जनाब इफ शाहीन योर T20 कैप्टन बी रेडी फॉर मोए मोए। हाँ जी बस जी यार संदीप आनंद, आज आप बजाय इंडिया पे कुछ करने के सारा दिन काल आप डराते रहे हैं, रात तक सुबह भी आप कहते रहे हैं कि इंग्लैंड बहुत आगे है, आज वो फिर आपने अभी आप आगे मोए मोए लेके आप आना चाहिए था। इंडिया वाले मैच का भी बताए, ये तो देखें जब पाकिस्तान की अभी बहुत टाइम पड़ा है, यू नेवर नो मोहम्मद रिजवान माइट बी द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम इन वर्ल्ड T20। हाँ जी सुदीप बनन साहब, आप तो कोई ना कोई उस पर कोई कमेंट किया, सही भी याद कराया मोहसिन भाई ने, आप तो कह रहे थे कि आखिरी मैच के टिकट करवा लें आप वो ही देखेंगे और प्रोग्राम बढ़ गया है। जिनको तो आपने याद भी नहीं बड़ा किया इसी बात से। मुझे याद आ गया जी, वो भाई संदीप साहब कहाँ गए हैं, वो मैसेज कर रहे थे कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, तो 170 पे 7 आउट हो गए हैं, बस सब कुछ तबाह बर्बाद। तो देखिए इट्स टेस्ट क्रिकेट, इट हैपेंस, और आपको बोला था कि जरा थोड़ा सा हौसला रखें, जो चीजें हैं अंडर कंट्रोल, वापस आने के काफी कवी इम्कान है, कवी मतलब बोले तो रोशन इम्कान, बल्ब लगा के। गुरविंदर सिंह है जनाब, मोहसिन भाई अकाउंट ओपनर एक्सीलेंट प्रेडिक्शन ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम, एंड रिजवान भाई यार क्या हो गया जनाब, थोड़ी मजाक करने दिया करो, बुढ़िया वर्गो रोसिया ना करो, नहीं आप किया करें मजाक अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा तो मतलब जो थोड़ा आपको महसूस हो के जी ऐसी बात मैं मतलब अपनी फैमिली के सामने नहीं कर सकता, तो वैसी बात करने से परहेज किया करें, हम भी वैसी बातें नहीं करते, मतलब जैसे आपका कोई भाई या कुछ ऐसा कोई बैठा हो तो जो लैंग्वेज आप उनके सामने नहीं इस्तेमाल कर सकते तो वो वाली आप ना किया करें, बाकी आप सारे जुगते मारे मजाक करें कुछ भी करें तो ठीक है, आप के जो मिजाज है उसके मुताबिक, क्योंकि बेतहाशा लोग लिखते हैं कि वो अपनी फैमिली के सामने टीवी पे लगा के देखते हैं वीडियोस हमारी, तो हम कोशिश करते हैं कि फिर इसमें ऐसी वैसी कोई ना ना मुनासिब बात ना हो, मतलब जस्ट लाइक कि हम लोग भी बैठे हुए हैं आप या हम अपनी फैमिली के साथ टीवी पे देख रहे हैं, तो
ऑल ऑफ अ सडन ऐसी वैसी कोई बीच में बात आ जाए तो मतलब अच्छा नहीं लगता ना, तो उस चीज को लेके, वरना तो आप वो कभी पर्सनल मिले नहीं है हमसे, तो हम तो बड़े शुगल मेले वाले लोग हैं। तो आइए, याद आ गया जी सामने, नया व्लॉग डाला जी आपकी भतीजी को, आई टुक हर टू लाइब्रेरी, आप भी देखना मोहसिन साहब। तो मैंने देखा थोड़ा, पर वो मेरे सर पे से गुजर गया, वो काफी बच्चे बच्चे और वो कोई, मैंने कहा कोई क्लास रूम है क्या है, मेरी समझ में नहीं आया, मैं कह रहा हूँ वो क्लासरूम्स है, लाइब्रेरी है लोकल यहाँ पे, और लोकल लाइब्रेरी में बच्चों का हर ट्यूसडे कोई किसी किसी दिन कोई किसी दिन क्लास होते हैं, और वो पोइम्स वगैरह सुनाते हैं, तो बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं उनके पेरेंट्स उनको लेके जाते हैं, फिर कोई गिफ्ट शिफ्ट भी मिलता है, तो एक तो जॉनी बेस्ट होगा बच्चा भी वहां पे मिला है, मतलब उसी तरह था, उसी तरह का ही था, मतलब मिलता जुलता बग्गा जी थे, गोरों के बच्चे तो फिर ऐसे ही होते हैं, तो वो बग्गा जूनियर बग्गा और वो तो बड़ा मतलब मजेदार सा था, तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया कैमरे पे, तो मैंने डाल दिया, जैसे आपने बोला था इधर उधर जाया करें तो रिकॉर्ड कर लिया करें, तो मुझे वो बात याद आ गई कि इधर उधर मैं आया हूँ तो रिकॉर्ड करके डाल देना चाहिए, तो वो आप दोस्त भी देख सकते हैं जी रिजवान अदर व्लॉग चैनल पे, अच्छा मतलब जरा आपको भी पता चले कि दुनिया कहाँ पे पहुंची हुई है, फ्री में बुला के क्लास में और सब कुछ, एंड पे गिफ्ट शिफ्ट भी देते हैं, तो हम बस उधर ही रुके हुए जहाँ पे थे, ट्विटर बंद करने के लिए और इंटरनेट बंद करने के लिए। तो मोहसिन अली साहब 5 में से 5 हारे, और शक्लें हैं लटकी हुई और मुंह है छोटे छोटे से, और मैच क्लोज हार रहे हैं, लेकिन हार तो रहे हैं और जीता अभी तक एक भी नहीं, और वो आकिब जावेद उठे ना बैंक से, बड़ा बा बा करता है, बड़ा टांटा, ये रानाज भी जमीन राना तो जमीन राना तो आसमान राना, तो ये आए ना कप्तानी भाईजान, इतना कच्चे आम को आपने कार बैट लगा के बड़ी बकवास करते थे यार ये, ओए होए होए होए, पाकिस्तान की टीम है हमारी, ये पाकिस्तान टीम हमारी, हमारा ये भी कलंदर, हमारा ये भी कलंदर, अबे सालो तुम्हारा ये भी कलंदर, कलंदर दो ही थे, तुम कहां से कलंदर नाम रख के कलंदर नाम का खराब कर रहे हो, तुम्हारे साथ ऊपर वाले की तुम पे मार है, जितने तुम्हारे उसको राणा फवाद को देख के ना सबको वो आता था यार के बेचारे के शक्ल पे हर वक्त मासूम या लूंगड़ा या, ये तो शक्लों से शातिर है, उसने फैंस बनाए थे अपने अपने रवैये से, रवैये से जिस बंदे से पूछो कहते हैं यार हम तो चाहते हैं लाहौर जीत जाए, लाहौर जीत जाए, अब इनकी ईगो की वजह से और इनकी बदजुबानी की वजह से लोग कहते हैं जी बहुत मजा आ रहा है जी हार रहे हैं, सही बात है, तो ये इंसान को जुबान से सॉफ्ट होना चाहिए, जो हर टाइम मतलब चीखना पुकारना बक 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 बक, तो लोग कहते हैं यार और दूसरों की इज्जत नहीं करना, तो फिर यही होता जो हो रहा है, इज्जत ना करना खुदाई कर्मों में टांगे डालना। तो गुरपिंदर सिंह साहब अमेरिका से, गुरपिंदरा तेरा ब्याह होया कि नहीं होया हाले, मोहसिन भाई कल आप स्टोक्स का अकाउंट ओपन कर देना, क्या मतलब इट्स टाइम, फर्स्ट टाइम हारेगा इंग्लैंड इसकी कप्तानी में, लाहौर हारा आई एम हैप्पी, बहुत घुमंडी है ये सब, दो बातें लिखी हैं जी, एक वो स्टोक्स वाली इंग्लैंड वाली, भाई उसका अकाउंट तो हमने खोल दिया, फिकर ही ना करें, सुबह अल्लाह खैर करेगा, पहले 15-20 मिनट सुकून से खेले आधा घंटा, फिर जो मर्जी करें ऑन स्लॉट करें, लेकिन ये है कि ये पहले सेशन में मैच जो है ना स्कोर नहीं होता, 152 रन काफी है, जितना भी ये तेज खेले नजदीक पहुंच जाएंगे लेकिन स्कोर नहीं, एक तो शेल में ना जाए आराम से खेले, और दूसरा आपने फरमाया है घमंड, देखिए अल्लाह ताला को कभी भी घमंड पसंद नहीं, जो मगरूर तकबर गरूर करता है वो अपनी कब्र खुद ही और शी डिग्स हर और हिज ओन ग्रेव, अपनी खबर खुद खोदते हैं, और इसने तोबा देखे करते हैं वो सिक्कू मिक्कू चिक्कू करते हैं, रजाक तो खैर वो तो बदतमीज बद किरदार आदमी है, लेकिन ये आकिब जावेद तो नौजबिल्ला यार, ऊपर वाले ने पैदा किया है तो उस पे छोटा है मोटा है, तुझे जो मोटा चाहिए बता,
तू क्या बातें करता रहता है यार, ये फिर ऊपर वाले का जब निजाम आता है, अब कौन सोच सकता था ये कराची और जलमी से आ रहेंगे। लेकिन बस ये फटकार है, जब आप पे फटकार आती है रिजवान साहब तो इसी तरह आती है। ऐसी है जी, स्टोक्स की आपने जो बात की है, देखिए अभी तक इज्जत तो कमाई है उसने, जिस तरह के अंदाज से उसने जब से कप्तान बना कप्तानी की है, और सीरीज कोई नहीं हारा, एशेज भी टेक्निकली तो मतलब बराबर ही हुई थी ना, वो पहले जीते हुए थे ऑस्ट्रेलिया वाले, तो उन्होंने रिटेन कर ली, वरना दो मैच ही हारे दो जीते, और एक ये जीता हुआ मैच था वो बारिश की नजर हो गया इनका। बाकी पाकिस्तान में आके तो पाकिस्तान का जो हाल किया था वो आपके सामने है, तीनों ही मैच हराए थे, तो दे वर डूइंग वंडरफुल जॉब वेयर एवर दे वर गोइंग, या जो घर में भी खेल रहे थे। घर में इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, एक मैच इंडिया को भी हराया, और फिर जो जो भी आ रहा था मतलब उनका बुरा हालात ही कर रहे थे, और न्यूजीलैंड में भी जाके अच्छा मतलब मुकाबला एक जीते एक हारे आई थिंक, तो सीरीज कोई नहीं अभी तक हारा, और कल 152 रन और चाहिए इंडिया को, तो इट विल बी हिज फर्स्ट सीरीज कि जो ये हारेगा एज अ कैप्टन। तो देखिए आपसे हम बार बार यही कह रहे थे कि इंडिया में आके इंडिया को हराना ये सबसे बड़ा और लास्ट लिटमस टेस्ट है, शायद उससे भी बड़ा के जो ये ऑस्ट्रेलिया में जाके क्रिकेट खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया में जाके जो क्रिकेट खेलेंगे, अब ऑस्ट्रेलिया वैसा स्ट्रांग दिखता नहीं है, शायद कि ये जिस अंदाज से क्रिकेट खेल रहे हैं ये जाके वहां पे हो सकता है कि उनके साथ भी अच्छे सींग फंसाएं, उससे बड़ा भी इनका लिटमस टेस्ट है इंडिया में इंडिया के खिलाफ आके खेल के जीतना कि यहाँ पे कितनी कामयाब होगी बेसबॉल। तो बेसबॉल तो फिर अब देखें डब्बे में पैक हो चुकी है। अभी इस मैच में इंग्लैंड ने जो जिस स्ट्राइक रेट से रन्स किए, जब से बेन स्टोक्स कप्तान बना है, जितने मैचेस इंडिया ने खेले, ये मैच का जो स्ट्राइक रेट है उन तमाम मैचेस में से किसी भी एक मैच में इससे कम स्ट्राइक रेट से रन्स नहीं बनाए इंग्लैंड ने, जितने के ये दोनों इनिंग्स जो अब कंप्लीट हो चुकी हैं उनकी, इसमें जितनी उन्होंने सुस्त रवि से रन्स बनाए हैं, इतने जब से कप्तान बने हैं बेन स्टोक्स किसी एक मैच में भी नहीं बने, सब में इससे ऊपर के स्ट्राइक रेट से ही रन्स बने हैं, पर ओवर के हिसाब से रन रेट के, ये जो भी मतलब जो 5 रन या 6 रन जिस तरह से इंडिया की सीरीज में भी कई खेला है सेशंस में, तो सबसे जो हल्का सुस्त खेला है इंग्लैंड आफ्टर हिज कैप्टनसी वो इस मैच में हुआ ये काम। तो बेसबॉल तो दफन हो गई है, और मेरे ख्याल में एज पर द सिचुएशन खेलना अच्छी बात है, ये सैनिटी प्रिवेल की है, वरना ये जो इन्होंने रन कर लिए हैं इतने भी नहीं करने थे, खास करके पहले इनिंग्स में जो ऊपर ये कर गए हैं, सेंसिबली रूट साथ इनके खेलता रहे तो काम चला गया कन्वेंशनल तरीके से खेलते हुए, वरना वैसे खेलते दो चार जैसे रूट आता है पूरी सीरीज में, दो चार चौके मारता है जी, एक आधा छक्का ओके जी फिर मिलेंगे चलते चलते, कभी अलविदा ना कहना। तो बाकी ये घुमंडी है आपकी जो दूसरी बात है इधर वाले लाहौर वाले, तो देखिए बात तो सही है, मुझे साहब ने सही बोला, तकब्बुर तो किसी को नहीं करना चाहिए, वो तो किसी को अब फिर मुंह की खानी पड़ती है, तो अब ये बड़ी बड़ी बातें करके अब इनको मुंह की खानी पड़ रही है। योर फेवरेट टीम इन PSL एंड IPL एंड वाइल्ड गेस हु विल विन, गौरव तिवारी साहब पूछ रहे जी, बताए जी मोहसिन साहब। PSL में फेवरेट टीम, यार सारी टीमें ही फेवरेट ही है, हमारी अपनी टीमें हैं, इसमें क्या फेवरेट है और क्या ना फेवरेट है। और IPL में तो चेन्नई सुपर किंग्स और वाइल्ड गैस हु विल विन किस कौन से उसमें विल विन, मतलब PSL और IPL में, PSL और IPL मुझे लगता है इस दफा शायद ग्लैडिएटर या मुल्तान में से कोई एक ट्रॉफी उठा लेगा। अच्छा गौरव तिवारी साहब, PSL या पाकिस्तान में कोई इतनी वो
राइवलरी नहीं है बहुत ज्यादा कि हाँ भाई कौन सी ये वो, जैसे शायद कि इंडिया में है आरसीबी मुंबई सीएसके या ये वो इधर उधर आपस में फैंस भी एक दूसरे को, तो वो वाली बात तो है नहीं यहाँ पे। और जिस टीम में किसी के फेवरेट प्लेयर जाते हैं वो अपनी हमदर्दियां उसी टीम के साथ जोड़ लेता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिटी के हिसाब से जी ये वो कहते हैं हमारा फेवरेट प्लेयर उस टीम में गया है। फॉर एग्जाम्पल आजकल पिशावर को काफी लोग सपोर्ट करते हैं कि बाबर आजम जी कराची से या पिशावर में आ गया है तो इसलिए आप पिशावर को सपोर्ट करेंगे, या लाहौर के जो ऑनर है उन्होंने चपले मारी है तो जी लाहौर हारे तो हमें अच्छा लगेगा। तो कोई ऐसा कोई है नहीं, और मुझे कोई मैं कई बार कह चुका हूँ कि कोई खास फैसिनेट करती नहीं है बात कि लाहौर जीत गया इस्लामाबाद जीत गया कराची जीत गया, कोई भी जीत जाए पीएसएल एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, अगर अच्छा शुगल मिला लगता है। और यही बात आईपीएल के हवाले से भी होनी चाहिए कि ठीक है एट द एंड ऑफ द डे जो मैटर करना चाहिए वो आपकी जनाब नेशनल टीम कितनी जीती है ट्रॉफीज, ये अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तो अच्छा शुगल मिला लगता है एट द एंड ऑफ द डे कोई भी जीत जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लाहौर को छोड़ के लाहौर जो है वो बहुत बिग हेड हो गए थे, दो दफा ये चैंपियन बने हैं तो ये बाकियों को समझते थे ये कीड़े मकोड़े हैं इनको तो कोई पता ही नहीं, क्रिकेट का सब कुछ हमें ही पता है। अब 5 में से 5 मैच ठोके हुए हैं और कोई इनको हारिस रऊफ भी एक बॉलर भी इंजर्ड हो गया जो कि अच्छा खासा इनका नुकसान हुआ, तो ये अपने रवैये दुरुस्त करें अपना किबला दुरुस्त करें और अपनी जो है मामला सही करें और फिर जाके और कप्तानी को ही वो सही करें। वो छक्के मारने वाले बाहर बैठे हुए हैं और टेस्टिंग चल रही है, ये लेबोरेटरी है यहाँ तो परफॉर्मेंस भी दिखाओ ना साथ साथ, ब्रैथवेट को अंदर बाहर बिठाया हुआ है और नए नए तजुर्बे करें। हाँ इंडिया में यार यही बात वहां पे भी लागू होती है इंडिया में, लेकिन वहां पे भी चेंज होता रहता है, जो देखते हैं भाई जो समझ की मूझ के मुताबिक कौन सी टीम अच्छी है तगड़ी है वो पिक कर लेते हैं, तो इसका मतलब यही है कि कोई एक खास फेवरेट नहीं है। कल बैसबॉल दफन हो जाएगा जनाब, बुलाओ और पता नहीं केड़ा माल माई दा लाल यार, बुलाओ कोई और माई दा लाल। आकिब जावेद को आटे और दाल का भाव लगता लग गया है, नहीं लग नहीं गया अभी होगा मतलब लगेगा, वो इयान बिशप कह रहा है इट्स अनरियल के लाहौर नो मोर कलंदर्स डन, बाबर बाबर हो रही है। यार वो बख्तू वो कह रहा है पेड़ कोई नहीं जानता बाबर आजम को, अबे तुझे कोई नहीं जानता, तू एमकेएम की पर्ची तुझे कोई नहीं जानता, बाबर को तो सारी दुनिया जानती है, तो बाबर का नाम तो अगर पीसीबी इंक्वायरी करे, पेड़ लोग पेड़ वो थे जो 2-4 घटिया तुमने भेजे थे वो पेड़ थे, के किस चीज की इंक्वायरी करे, बाबर ने वहां पे पेड़ बुलवाए हैं बाबर बाबर कराने के लिए। पूरा ग्राउंड बाबर बाबर कर रहा है, ऐसा बेहया है बेशरम बदबख्त है कि जिसकी इंतहा नहीं। यानी उसने मुल्तान में भी पेड़ मंगवाए थे तो लाहौर में भी, और पेड़ भी ऐसे मंगवाए थे कि पूरे स्टेडियम में आवाज आ रही थी, बसिंग कमाल ही हो गया। वो कल मैं बसिंग उसकी वो जो मुल्तान सुल्तान का ओनर है वो जहांगीर तरीन का बेटा अली 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 तरीन अली तरीन, उसने वीडियो बनाई के देखें जी मुल्तान में मैच है हमारी टीम का मैच है, तो आप ये सुने जी वो दोनों बैटिंग के लिए आ रहे हैं, तो पहले उन्होंने बैटिंग की थी लेकिन आप चेक करें जी क्राउड क्या कह रहा है, क्राउड साहब बाबर 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 बाबर, मुल्तान का मुल्तान में मैच है, तो आप उसको बोले कि यार इतने उसका बाप कोई खरबपति है कि उसने पूरा पाकिस्तान खरीद लिया है कि जहां मेरा बेटा खेलने जाएगा तुमने बाबर बाबर करना, और अनबिलीवेबल। जैसा होता है ना बंदा उसकी वैसी सोच होती है। गुरपिंदर सिंह कह रहे हैं लाहौर वाले मानते नहीं, प्रेजेंटर आस्ट फ्रॉम शहीन यू लॉस्ट 5 ऑन ट्रॉट एंड ही सेड कोई बात नहीं 2 बार के चैंपियन हैं तो बुरा वक्त के बाद आसानी आती है, तो भाई ये जितना टाइम ये पाकिस्तान की टीम को भी बताता है ना ये लाहौर वाले भी अब फिर सो जाए, वो कहता है जितना टाइम वो मतलब हजरत यूसुफ अलैहि सलाम को लगा कुएं से निकाल के फिर वो मिस्र के बादशाह बने थे, तो ये तो ऐसी एग्जाम्पलें देता है
ऐसी एग्जाम्पल्स देता है मजहबी टच के साथ, तो उसमें तो ठीक ठाक साल लग गए होंगे, तो आप फिर लाहौर भी बस तैयारी पकड़े के पता नहीं अगली बार कब फिर आए चैंपियनशिप इनके हाथ में। तो देखिए, जिद्दी होना, स्टबन होना, अपनी बात से नहीं मानना, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। एडमिट कर लेना चाहिए कि हाँ जी ठीक है, हम एज पर प्लान्स नहीं खेल पा रहे, अच्छी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, और मतलब रिजल्ट नहीं कन्वर्ट कर पा रहे बीच बीच में अच्छी क्रिकेट खेलने के बावजूद, क्योंकि आप ये जो 50 गेंदों पे 100 खेल करके गया है तो वो अच्छी क्रिकेट ही खेला है ना, तो एज अ कलेक्टिव यूनिट अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। एक आधा परफॉर्म करता है, दो नहीं करते। बॉलिंग में भी अभी जाके थोड़ी सी इसने बॉलिंग ठीक है, अच्छी की है, वरना वो हरीश रावपुर शुरू के दिनों में इतनी मार खाई है उसने। फिर बॉलिंग रोटेशन में भी मसाइल है, कल भी उसको गेंद नहीं दिया, उसको एक आधा शत दिया या नहीं यार उसको सिकंदर रजा को, और बैटिंग में उसको भेजा ही नहीं कल वाले मैच में, आज भी भेजा जब 3 गेंदे पे रह गया, जनाब 3 छक्के चाहिए थे 3 गेंदों पे, वो दूसरा बाहर ही बैठा रह गया। तो कप्तानी में इसके बड़ा अभी तक नकाश नजर आ रहे हैं, इट्स नॉट गुड साइन फॉर पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली फॉर अभी लाहौर की तरफ से खेल रहा था। अरुण जी कह रहे हैं इट्स नॉट ओनली आकिब, हारिस शाहीन ने भी हद पार कर दी घमंड में। हाँ, बॉडी लैंग्वेज वाला और शाहीन मॉक्ड ऑल 3 इन बैटर्स, ऐसा छितर पड़े हैं जी दोनों को। तो बस जी फिर डाउन टू अर्थ रहना चाहिए ना, जब आपको कोई ऊपर वाला इज्जत दे दे तो आपको डाइजेस्ट करना आना चाहिए और डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। ये प्लेयर्स को भी और इनके कोचिज को भी, अगर ऊपर नीचे 2 बार चैंपियन बन गए हो, और लास्ट मतलब बड़ा क्लोज मैच था फाइनल चैनल जो हुआ पिछली दफा भी, इट कुड हैव गोन ईदर वे, तो जब ऊपर वाले ने आपको चलो इज्जत दे दी है तो आपको डाइजेस्ट करना भी आना चाहिए, हम्बल रहना भी आना चाहिए। आप मतलब अजीब अजीब सी बातें करते हो, उसको तो हम आउट ही नहीं करते, उसको तो उसको तो बिल्कुल ऐसे वो छोटा सा है, बिल्कुल है चाबी वाला खिलौना, इतनी इतनी सी टांगे, इतने इतने से हाथ, कमाल है यार। अच्छा जी, गगन क्वाट्रा लव मोशन भाई यूएसए, भाईजान आपके नाम के ऊपर नाम डाल दिया उन्होंने अपना ट्विटर और यूट्यूब के चैनल। ये समीर भाई भी कल हमारा नाम डालेंगे, आप फिकर ना करें। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। हेलो मोशन एंड रिजवान भाई, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, थैंक यू मच ब्रदर, प्लीज कम यूएसए फॉर वर्ल्ड कप। भाईजान वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप के लिए आ जाएंगे। आई एम रेडी टू वेलकम और both of you, love and regards, god bless, thank you very much, bahut bahut shukriya, thank you very much ji gagan, bahut shukriya quadra sab, aapne bahut pyar wala mohabbat wala message bheja hai, to inshallah koshish to hogi jane ki ke jaye wahan pe world cup mein cover kare, to agar as per plan sari cheeze ho gayi to to inshallah behtar hoga, thank you very much for your lovely and kind offer। अच्छा जी, इंग्लैंड के पास प्लान बी नहीं है, मुंबई इंडियन विल विन 6 IPL टाइटल, ये कौन कह रहे हैं जनाब, पिंटू दयानी साहब जी, प्लान बी चल रहा है उनका ना, प्लान ए था बेसबॉल खेलने का, प्लान बी है कि जरा कन्वेंशनल क्रिकेट खेलने का, तो ये प्लान बी पे काम तो पहुंचा हुआ है, तो अब आप प्लान सी का बोलेंगे पता नहीं सी है कि नहीं है, लेकिन बी वाला प्लान भी उनका कोई कामयाब नहीं हुआ पिंटू साहब। और मुंबई इंडियन अपना मतलब आप कह रहे हैं आईपीएल का 6ठा टाइटल जीत जाएगी, चलो वो तो जब आएगा तो फिर आएगा, फिर बात करेंगे कि किस टीम का क्या कॉम्बिनेशन है। मुंबई का हाल भी वैसे गलंदर वाला ही है, पॉपुलैरिटी में आ गया, आपकी मर्जी है। आ गया आपकी मर्जी है। हैरी गिल साहब कह रहे हैं रिस्पेक्ट यू रिस सर एंड मोशन सर, you believe more in our team than us Indians, why Shaheen is so desperate, he takes review blindly in desperation। दो बातें आपने लिखी हैं, तो देखिए तो blind following नहीं होती, मैच देख के आपको बताया जाता है
कि जी आप जाहिर है इंडिया को इंडिया में आप फेवरेट नहीं कहेंगे तो फिर कहां पे कहेंगे। मैच चलो समझ में आती है जी, इंग्लैंड में सीरीज हो रही है तो बंदा बोले कि यार ये कोई गड़बड़ भी हो सकती है ये वो। अब इंडिया में सीरीज है और इंडिया को फेवरेट बोला हुआ है और बोला फोर, फिर भी एक आधा मैच इंग्लैंड को दिया हुआ था वो एक आधा जीत गए अपने हिस्से वाला, बाकी उनको नहीं जीतना चाहिए कोई। तो सारी सिचुएशन देख के बात की जाती है, ऐसे नहीं ब्लाइंडली हाँ जी ठीक है वो इतने जीत जाएंगे तो इतने हार जाएंगे। तो बाकी आप दोस्तों को क्रिकेट की टर्म्स के मुताबिक ही बताने और समझाने की कोशिश कल से कर रहे हैं मोहसिन साहब भी और मैं भी, तो रिजल्ट जो है देखें फिर वैसे ही आए जैसे आपसे बोला था। तो ये आप दोस्तों का प्यार और मोहब्बत है। आप क्या कहना चाहेंगे मोहसिन साहब हैरी गिल साहब की बात पे? हरी साहब, हम तो आपको पता है सेशन टू सेशन बता रहे होते हैं और ब्लाइंडली बिल्कुल नहीं करते। जो हमारा दिमाग जिस तरह बता रहा होता है, कई दफा हमारा डिफरेंस आ जाता है बहुत सारी बातों में, कई दफा हम सेम बात पे आ जाते हैं कि नहीं ये बात तो ठीक है। अब इस पूरे टेस्ट मैच में मैंने कहीं भी इंडिया को 60% पे नीचे नहीं किया, मैंने 55-45 रखा, रिजवान साहब ने 50-50 भी रखा। फिर थोड़ा सा जब ऑब्वियसली आपकी टीम लड़खड़ाई, जी थोड़ा सा हमने मार्जिन दिया इंग्लैंड को भी, लेकिन ओवरऑल देखिए जो जो बात आपको टाइम के साथ, प्लेयर के साथ, बॉलर के साथ, तो ये ब्लाइंडली नहीं होता, ये माइंडली होता है, और ब्लाइंडली ओवर है। 50-50 भी तब जब 353 लग चुके थे बोर्ड पे और 80% कह रहे थे मैच बढ़ गया, खत्म सही बात है, हो गई कहानी, सही खत्म हो है, गई छुट्टी सही। हो गई। तो एब्सोल्युटली जी ऐसे ही है, मोहसिन साहब ने भी आपको जो जो बताया जिस सेशन में इतने आउट होंगे इतने रन होंगे तो बिल्कुल वैसे ही हुआ एब्सोल्युटली। और आपसे बोला था जुरेल ने जिस तरह की इनिंग खेली, आप देखना बॉडी लैंग्वेज इंडिया की बॉलिंग में और बैटिंग में दोनों आपको फर्क नजर आएगा वाजे। तो वो जब वो बाहर बैठे हुए देख रहे हैं यार बच्चा 20-21 साल का दूसरा टेस्ट मैच है, ये ये तो टेस्ट अभी मैच शर्मिंदा कर रहा है। देखो 4 दिन का 5 दिन के होते हैं, चार चार की चल रहे हैं फिलहाल आजकल, चार चार की एक रिपोर्ट भी थी। टेस्ट मैच 4 दिन से ऊपर नहीं जा रहा। तो जो बाहर बैठे हुए थे उन्होंने जब देखा है कि भाई ये जो जुरेल है अभी दूसरा टेस्ट मैच है ये जिस तरीके से खेल रहा है तो ये इंग्लैंड को तो रगड़ ही रहा है, ये बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हमें भी शर्मिंदा कर रहा है। तो अब ये जो थोड़ा थोड़ा हमें शर्मिंदा कर रहा है, अब हमने जब दोबारा फील्ड में उतरना है बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी तो वाजह फर्क नजर आना चाहिए। तो वो फिर नजर आया आपको फर्क। और बाकी आपने बोला शाहीन क्यों जी, ये जब वो कप्तान नहीं था तब भी खैर उसको बाबर आजम को बहुत अंडर प्रेशर लगता था जी, हर गेंद इसको लगता है कि जी मेरा तो विकेट पे लगेगा, और बॉलर्स को अक्सर यही लगता है कि जी मेरा हर गेंद ही जाके वो पैड पे जो लगा है वो विकेट पे लग रहा था। तो अब अल्लाह ही खैर करे, अब कप्तान भी है तो अब कौन उसको रोकेगा, अब जो उसका दिल करेगा मेरे ख्याल में देखेगा, लेकिन सेंसिबली यूज करना चाहिए। दो ही तो हैं T20 में रिव्यूज। कपिल शर्मा साहब पता नहीं किसको लिख रहे हैं कि जी हैदराबाद इंडिया में पेड लोग बख्तू बुलाए थे बाबर ने, बख्तू 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 को अच्छा बख्तू जो बाबर बाबर कर रहे थे क्या मजाक है जी। देखिए कॉमन सेंस नहीं है ना एक बात में, तो फजूल बात है कि कोई पेड़ कोई बुला सकता है यार, मतलब जहां पे जाओ तो आपकी मतलब पेड़ कमाल ही हो गया है यार। वाई पाकिस्तानी प्लेयर्स ऑलवेज गिव रिलीजियस एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स, डज एनी फॉरनर और इंडियन प्लेयर गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम रिलीजन? शाहीन शुड गो फॉर तबलीग दर्स और ये वो। गुरपिंदर सिंह साहब ये तो हमने कई बार बात की है कि यार स्पोर्ट्स को और मजहब को सेपरेट रखें। वो शेख रशीद साहब मिनिस्टर थे अभी खड्डे में बड़े हुए आजकल, वो मैच जीत गया पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2021 में, कहता जी इस्लाम की फतह हो गई। तो भाई बंदा पूछे कि जब अगले मैच हार जाएंगे तो फिर नाउज बिल्ला शिकस्त हो जाएगी? तो क्रिकेट का मैच है कभी जीतोगे, पहली दफा तो जिंदगी में जीते थे, हमेशा ही तो वर्ल्ड कप में हारते हो। तो वो कभी अगर कोई मैच में इज्जत मिल भी जाए तो डाइजेस्ट करना ही नहीं आता। वकार ने चलो माफी मांग ली थी तो इसलिए मैं वो रिपीट नहीं करता, जब इंसान अपनी बात की माफी मांग लेता है तो फिर वो बात खत्म हो जानी चाहिए, वरना उसने भी अच्छा
अच्छे अल्फाज नहीं बोले थे क्या रिजवान के हवाले से कि उसने जो नमाज पढ़ी बीच में, कि जी अच्छा है काफरों या पता नहीं हिंदुओं के बीच में पढ़ी। अब चूंकि उसने माफी मांग ली है तो इसलिए हम उस पर जरा क्रिटिसाइज नहीं करते। तो इस तरह की बातें अच्छी नहीं, जचती नहीं है। आप क्रिकेट को क्रिकेट के टर्म्स के मुताबिक बताएं, और फिर ये पूरे का आवे ही बिगड़ा हुआ है। वो सकलैन मुश्ताक साहब भी वो कुदरत के निजाम पे चले जाते हैं, ये कभी मैच हारेंगे कभी जीतेंगे, कभी हारेंगे कभी जीतेंगे, कुदरत का निजाम है। अब हर टाइम पे एक तरह के तो चीजें नहीं होती, कभी अभी रात है तो सुबह भी आएगी, दोपहर है तो शाम भी आएगी, गर्मी है तो सर्दी भी आएगी, बहार है तो खजां भी आएगी, खुशी है तो गम भी आएगा। मतलब शायरों वाले फलसफे शुरू कर देते हैं। ओ भाई तू क्रिकेट टीम का कोच है, कोई बता के एक मैच हारते हो एक जीतते क्यों हो? ऐसी कई टीमें हैं कि जिनका विन परसेंटेज 70-80 है, वो 10 मैच खेलते हैं तो कोई एक आधा हारते हैं, तो उनके लिए जो रात वो बहुत लंबी है, या उनका दिन बहुत लंबा है, या उनकी खुशी खुशी है, उनका गम नहीं है। कुदरत का निजाम उधर क्या उसमें इम्बेलेंस हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है उनकी दफा कुदरत का निजाम, या उनके घंटे 24 की बजाय उनके 48 घंटे का दिन है उनके पास। तो अजीब अजीब सी बहकी बहकी बातें करते हैं, तो आप इनको अवॉइड करनी चाहिए ये बातें। स्पोर्ट्स पे बात करें, स्पोर्ट्स के टर्म पे बताएं कि हाँ जी 230 हमने रन खा लिए न्यूजीलैंड में, पिच 180 वाली थी तो इसलिए हम मैच हार गए हैं, अगले मैच में हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छी बॉलिंग करें, ये आंसर होना चाहिए। वो नहीं कि जी कोई कुरान जीत के किस्से शुरू कर दें हम वहां पे कि इतना टाइम लगा था इतना लगा था, तो थोड़ा टाइम नहीं है। वो क्रिकेट का जवाब क्रिकेट के मैच का क्रिकेट की टर्म्स के मुताबिक इस्तेमाल करते हुए, ये सिंपथी लेने वाली जो काम है ना मजहब की लेके, ये पूरा पाकिस्तान में ये मसाइल है, और हर बंदा जो है मेजॉरिटी ऑफ देम वो यही काम करते हैं। पॉलिटिक्स में ये बहुत इन्वॉल्व हुई है, रिलीजियस सेंटीमेंट्स लेके लोगों में मशहूर होना, वो तो चलो अच्छी बात है कि आज तक पाकिस्तान की पब्लिक ने किसी रिलीजियस पार्टी को मेजॉरिटी में कभी भी वोट नहीं दिए। उन्हें पता है इनके मकरू चेहरे, ये सिर्फ मजहब को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है आपकी, इनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए। रेस भाई एंड मोहसिन सर, आपका गाबा टेस्ट वाला वीडियो देख रहा था आज, मजा आ गया जी, क्या बोलते हो सर, कल इन ब्रिटिश गोरों को रगड़ देंगे जनाब। लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल इंडिया। थैंक यू वेरी मच, रगड़ देंगे इंशाल्लाह। वीडियो वो कह रहे हैं आपका बड़ा देखते रहते हैं हम बार। जी, मैंने वो शुक्रिया अदा किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों का प्यार है, और उस वक्त तो शुक्र है कि वरना तो पता नहीं कितने निकल आते, पा पा टा टा। देखिए क्रिकेट जो है यह बताना पड़ता है कि कौन क्या कैसे, अगर 11 का 11 का हम बताएंगे तो कोई ना कोई तो कर ही देगा, फिर तो कोई कमाल नहीं होगा ना। और ज्यादा हवा में नहीं रहना चाहिए, जमीन पर रहना चाहिए, गेम देखेंगे आपको गेम अवेयरनेस आएगी, अगर आप नहीं देखेंगे आप तुक्के लगाएंगे और तुक्के बार बार आपको शर्मिंदा कराते हैं। ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। गुरपिंदर जी कह रहे हैं आई थॉट न्यू जनरेशन विल बी अ बिट रैशनल बट आफ्टर वॉचिंग शहीन एंड रिजवान गॉट दिस डिसअपॉइंटेड। बाकी शहीन तबलीग में है तो बस हलवा खाने वालों में ही होगा, पता नहीं यार वो अब नहीं। गुरपिंदर साहब देखिए ये ऐसी बात नहीं है, नई जनरेशन जो है दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर माशाल्लाह वेरी वेरी फोकस्ड। अब देखिए एक बैकग्राउंड मैटर करता है ना, ये दोनों जो आए हैं ये ट्राइबल बेल्ट से आए हैं और वहां पे ये चीजें ज्यादा होती हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ देखिए अब सिंपल सी बात ये है कि क्रिकेट का सवाल, क्रिकेट के मैच का, क्रिकेट के टर्म्स के मुताबिक जवाब दे। देखिए ये तो हर बंदे का बिलीफ है ना कि एट द एंड ऑफ द डे जिसका मतलब जो भी मजहब है जिसको भी मानता है कि जो उसकी डेस्टिनी में होगा वो उसको मिल जाएगा, ऐसा ही है ना भाईजान? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उसके लिए आपको करनी होती है मेहनत।
और अगर क्रिकेट मैच हो रहा है और एक टीम अगर अच्छी प्लानिंग करेगी, अच्छी स्ट्रेटजी बनाएगी, दूसरी टीम की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स पे काम करेगी और अच्छा मुकाबला करेगी, तो उस टीम के जो प्लेयर्स हैं उनका जो भी मजहब हो और उन्होंने अगर अच्छी प्लानिंग दूसरी टीम की निस्बत की है और स्किल सेट अच्छा है तो वो जीत जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि मजहब का स्पोर्ट्स में कोई ताल्लुक नहीं है। स्पोर्ट्स में जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतना फल मिलेगा, और ये तो बिल्कुल कोई मजहब किसी का है कोई या नहीं है मजहब, ये कॉमन सेंस वाली बात है, बेसिक सी बात है कि आप जितनी अच्छी तैयारी करेंगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और मेहनत जो है वो रहेगा तो कहते हैं कि ऊपर वाला किसी की जाने नहीं देता। तो जी मोहसिन अली साहब, फिर लड़कियों का मैच का कोई आपने कोई देखा है आज? कमाल हो गया जी, कर ने कमाल कर दिया, चार एक आउट भी कर गई, 126 पे रोक भी दिया, फिर स्मृति मंदाना रन बॉल 5 विकेटों से 10 बॉले पहले, मजे का मैच हुआ। और मुंबई इंडियन ने टॉस जीता था और कहा बच्चों वॉरियर्स पहले बैटिंग करो, तो वॉरियर ने कोई मजा नहीं आया। 126 तो कुछ भी नहीं है, टेस्ट मैच ये जब अपने मुल्कों के लिए खेलती है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह, ये तबाही फेर, तीन उसने भी वैसे साउथ अफ्रीकन ने भी आउट किए इन्हीं की तरफ से, मुंबई की तरफ से, लेकिन जब ये इधर आई है तो ठूस हुई हुई है, ना थायला मैकग्रा चल रही है, ना गार्डनर चल रही है, ना पैरी चल रही है, ना मैरी चल रही है, पता नहीं क्या चल रही है। वन-साइडेड मैच हुआ, आप नहीं कह रहे हैं, कल मैच अच्छा हुआ था, लास्ट बॉल फिनिश थी, सजना ने छक्का मार के जिताया, मजा आया। आज वन साइडेड था, 10 बॉले पहले आराम सुकून से मुंबई वाले 5 विकेटों से जीत गए। शिव जट द गॉड सब के फैन कह रहे हैं, वॉच वाज वाचिंग यूट्यूब फेल्ट अस्लीप एंड सडनली अ थंडर बोल्ट हिट माय ईयर ओपन माय आईज यूट्यूब प्लेड आपका जी मोहसिन अली वीडियो। तो उधर क्या कोई 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 कुछ से शुसे कर रहे थे, कर रहे होंगे सुकून, हाँ तो सुकून माहौल है। तो फिर आपके कानों में क्या मसला हो गया जनाब शिव जट सर, अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अब तो आदत सी है हमको जनाब, हमने केक काटा रिजवान साहब मौला की विलादत का और बड़ा मजा आया। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बात, आप होते तो मजा आता। बस ये अब तो हम दुआओं में ही हैं, अब फिलहाल तो दूर ही है, यानी कि कोई बात नहीं यार, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ठीक है दोस्तों, अच्छा मैच हुआ है, एक्साइटिंग मैच हुआ है, और आज के दो मैचेस जो हुए हैं तो उसमें मुल्तान ने तो 13 रन से मुल्तान ने हरा दिया। हाँ 13 रन, वो मोहम्मद अली तो भाईजान छाया हुआ है, विली और मोहम्मद अली छाया हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है। और अगर अच्छा गया पीएसएल उसका तो नो वंडर यू विल सी रिजवान ने अच्छे स्कोर किए, और मोहम्मद अली पाकिस्तान की टीम में भी चांस मिल सकता है। हारिस तो अभी देखो पता नहीं लंबा ही गया है, तो मोहम्मद अली जिस कंट्रोल के साथ और विकेटें ले रहा है वो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बेहतरीन। तो सही है जी दोस्तों, फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल लंच तक, तो सूरत हाल ऑलमोस्ट क्लियर होगी। तो सी यू देन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।